तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिला यमुनानगर के प्रोफेसर कॉलोनी के पास अनंत पब्लिक स्कूल से। आपको बताना चाहेंगे कि चोरों ने एक बार फिर से चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों के हौसलों की तो दाद देनी पड़ेगी। दिन प्रतिदिन चोरी की जो वारदाताओं के जो केस है ये सामने आ रहे हैं। इस बार प्रोफेसर कॉलोनी के एक घर में एक महिला की चैन चुरा कर चोर जो है भागे हैं। लगातार तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मौके पर डायल 112 की जो टीम है यहाँ पर पहुंचकर सही कार्यवाही कर रही है। सीसीटीवी कैमरे दिखाने का भी आपको प्रयास करेंगे, जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि चोर किस तरह से महिला की जो चैन है वो चुरा कर भाग रहा है। डायल 112 की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मौके पर पुलिस मुलाजम जो है सही कार्यवाही कर रहे हैं। प्रोफेसर कॉलोनी का एक घर जिसमें एक महिला की चैन तोड़कर भागने का चोरों के द्वारा प्रयास किया गया। देखिए चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। दिन प्रतिदिन घटनाएं जो हैं थम नहीं चाहे, लेकिन थमने की बजाय सिलसिला लगातार जारी है जिला यमुनानगर में। अगर हम अपराध की बात करें, चोरी की बात करें, ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और इन्हीं घटनाओं के चलते हुए आज के समय में लोग जो हैं अपनी कीमती ज्वेलरी को पहनकर कहीं बाहर भी नहीं निकल सकते, क्योंकि ज्वेलरी को पहनकर बाहर निकलते हैं तो साथ ही चोरों की नज़र पड़ते ही चोर जो हैं उस कीमती ज्वेलरी को चुरा कर भागने का पूरा प्रयास करते हैं। पता नहीं कौन है, कहां से आए हैं ये लोग, कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से आए लोग हैं, इनका कोई गैंग भी हो सकता है। तस्वीरें लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए किस तरह से चोरों के हौसले जो हैं इतने बुलंद दिखाई दे रहे हैं। हर महिला के ऊपर जो है वो एक लपेटा मार रहे हैं, उनकी कीमती ज्वेलरी के ऊपर नजर रखे हुए हैं और मौका देखकर किस तरह से भागते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल के माध्यम से अपील है, जो जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं इस खबर को शेयर जरूर करें और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर लाइव बने रहे। नमस्कार, मैं मनदीप कौर और आप देख रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज़। अगर आप सभी भी अपनी किसी कीमती ज्वेलरी को पहनकर घर से बाहर जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आप नहीं जानते कि चोर आपकी उस कीमती ज्वेलरी के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और मौका मिलते ही झपट्टा मारकर या खींच कर किस तरह से आपकी ज्वेलरी को लेकर भाग रहे हैं। जिला यमुनानगर के प्रोफेसर कॉलोनी का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। आपको बताना चाहेंगे कि 65 वर्षीय महिला हर रोज़ अपने घर से बाहर नेहरू पार्क सैर करने के लिए जाया करती थी और आज शाम को जब वो सैर करके अपने घर पर पहुंचने ही वाली थी कि पीछे बाइक से दो युवक सवार थे बाइक के ऊपर और पीछे से आकर उस महिला की 65 वर्षीय महिला की चैन को खींचकर किस तरह से भागने का उन्होंने प्रयास किया है। मौके पर 65 वर्षीय महिला है, चोरों को रोक भी नहीं पाई ना उनके पीछे भाग पाई, क्योंकि उम्र जो है आंटी जी की बहुत ज्यादा है, 65 वर्षीय, तो इसीलिए आगे के लिए पूरा मामला जानने के लिए रामपुरा के जो इंचार्ज हैं टीम के साथ यहां पर पहुंच चुके हैं। और डेली जिला यमुनानगर में चोरी की घटनाओं के जो ये केस हैं बढ़ते जा रहे हैं और इन्हीं घटनाओं के चलते जिला यमुनानगर के जो जिलावासी हैं उनके अंदर इन खबरों को देखते हुए, इन वारदाताओं को सुनते हुए भय बन चुका है कि अपने घर से बाहर कहीं पर भी जाकर वो सेफ नहीं है। कभी कोई कीमती सामान चुराने की घटना सामने आती है तो कभी कोई और मुद्दा सामने आता है। पता नहीं चोर कहाँ से आए हैं, कितने लोग इसमें शामिल है, हो सकता है कि बाहर से आए हैं, कोई गैंग भी इनका हो सकता है जो जिला यमुनानगर में आप लोगों के एरिए में कहीं आसपास ही है और आप लोग शायद उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। तो आप लोग चौकस हो जाएं और अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में अपील कर रहे हैं कि अगर आप अपनी किसी कीमती चीज़ को पहनकर घर से बाहर जा रहे हैं तो मत पहनिए, क्योंकि नहीं जानते कि चोर आपकी उस कीमती ज्वेलरी के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। आगे का पूरा मामला जानने के लिए जो प्रशासन की टीम है रामपुरा चौकी से यहाँ पर पहुँच चुकी है, सही कार्यवाही की जा रही है, सीसीटीवी देखने का लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। आगे का पूरा मामला जानने के लिए हमारे यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल पर आप हमारे साथ लाइव बने रहें। सर, क्या कुछ मामला है जो आज प्रोफेसर कॉलोनी में सामने आया है चेन स्नैचिंग से रिलेटेड? सुशीला नाम की एक लेडीज़ जिसकी उम्र करीबन 60 साल उम्र है, उस लेडीज की वो हर रोज नेहरू पार्क में जाती थी शाम के टाइम घूमने के लिए। जब वो वापस आ रही थी, जब प्रोफेसर कॉलोनी में अपने घर के करीब पहुंची तो दो युवक बाइक पे आए, जिनमें से एक की उम्र करीबन 20 साल, एक की 25 साल के करीब थी। उसे गले से चैन छीन के दौड़ गए, जिसमें हम यहाँ के सभी कैमरे चेक कर रहे हैं, जितने भी फुटेज हमें मिलेगी, बाकी आगे डंपे उठाए जाएंगे, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। सर, लगभग कितने तोले की चैन है जो उन्होंने बताई है? कुछ ऐसा जो शीला देवी ने बताया, करीबन 1.5 तोले की बताई उन्होंने। रोज आती थी सर सैर पर? हाँ, डेली जाती थी वो नेहरू पार्क में।
वहाँ पे सभी बुजुर्ग इकट्ठे होते थे तो उनसे मिलने जाते थे, जैसे बैठते हैं। सर उम्र कितनी है उनकी महिला की? महिला की उम्र करीबन 60-65 के बीच की है। तो कितने युवक बताए जा रहे हैं? 2 युवक हैं बाइक पे थे, जो अब तक कैमरे में भी थोड़ा बहुत आए हैं। तो आगे की कार्रवाई क्या की जाएगी? अब कैमरे वगैरह चेक कर रहे हैं, जैसे भी आगे तफ्तीश में आएगा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शिकायत दे दी गई है सर महिला की तरफ से? हाँ शिकायत आ गया मैडम की तरफ से। आगे के लिए क्या कार्रवाई की जाएगी सर? मैडम कैमरे चेक कर रहे हैं, बाकी जो पुराने हैं उनको शामिल तफ्तीश करेंगे, जो भी अद्यतन अपराधी हैं। मौके पर रामपुरा प्रशासन की जो टीम है यहाँ पर पहुँच चुकी है, आगे के लिए जो कार्यवाही है वो की जा रही है। लगातार तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से। 20 और 25 वर्ष की उम्र का जो आज के जो लड़के हैं उन्होंने ही इस प्रकार की घटना को जो है अंजाम दिया है। 20-25 वर्ष की उम्र में अगर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो आगे चलकर क्या कुछ करेंगे कोई नहीं जानता। तस्वीरें लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि चोरों के हौसलों की तो दाद देनी पड़ेगी। क्या इन लड़कों के माँ बाप नहीं जानते कि इनके बच्चे क्या काम कर रहे हैं? हर दिन जिला यमुनानगर में जिला वासियों के अंदर इन घटनाओं को देखते हुए खौफ बनता जा रहा है। मौके पर जो कागजी कार्यवाही है वो की जा रही है। लगातार तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जिला यमुनानगर के प्रोफेसर कॉलोनी से कि 65 वर्षीय महिला हर दिन की तरह रोज जो है नेहरू पार्क में सैर करने के लिए जाया करती थी, लेकिन आज सैर करके जब घर से बाहर घर तक पहुंची तो पीछे से 2 युवक आए और गले से चैन खींचकर भागने का पूरा प्रयास किया। मौके पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन भी कागजी कार्यवाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोहल्ले में जहाँ जहाँ जिस जिस घर में CCTV कैमरे लगे हैं उसे देखने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि शायद आगे के लिए कोई क्ल्यू मिल जाए, लेकिन अभी तक प्रशासन की जो कार्यवाही है लगातार वो जारी है। मौके पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अपील है जो जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं इस खबर को शेयर जरूर करें। जी माता जी क्या नाम है आपका? माता जी क्या नाम है आपका? हाँ जी सुशीला आ रहे हैं। अच्छा जी कहाँ क्या हुआ आपके साथ, क्या इंसिडेंट हुआ? यहाँ पे मैं जहाँ बैठी हूँ यहीं से मेरी गले से पीछे से खींच के ले गया, पीछे से मारा झपट्टा उसने। अच्छा जी किस चीज पर थे? एक लड़का जो मेरे चैन खींचने आया था वो पैदल था और आगे एक लड़का और खड़ा था जो जिसके पीछे वो बैठ के गया। बाइक पे था? बाइक पे था। तो बाइक का नंबर नोट किया आपने? नहीं नहीं बाइक का कहाँ, मैं तो उनको पीछे भागी हूँ उनके कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लेकिन वो तो तुरंत भाग गए। कहीं चोट लगी आपको? कहीं चोट? नहीं नहीं कोई चोट नहीं लगी। तो आपने पुलिस को कॉल कर दिया? पुलिस को लोग खड़े हैं मेरी हेल्प करने के लिए। कहाँ रहते हैं आप? तस्वीरें आपको दिखाई हैं जिला यमुनानगर के प्रोफेसर कॉलोनी से कि 65 वर्षीय महिला डेली किस तरह से सैर करने के लिए जाया करती थी और आज 2 युवक जो हैं बाइक पर सवार थे और पीछे से महिला के गले से चैन खींचकर भागने का पूरा प्रयास किया। महिला रोक भी नहीं पाई क्योंकि 65 वर्षीय महिला है, रोकने का प्रयास तो खैर उन्होंने किया होगा लेकिन नहीं रोक पाई, कहीं ना कहीं उनकी कोशिशें भी नाकाम रही। आगे के लिए आप सभी से अपील है कि अपनी कीमती ज्वेलरी का आप लोग स्वयं ध्यान रखें और इस खबर को इस मैसेज को हर जगह फॉरवर्ड करें ताकि लोग जो है जागरूक हो सके और अपनी कीमती चीज का स्वयं ध्यान रख सके। मौके पर लगातार आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास किया है प्रोफेसर कॉलोनी से कि किस तरह से चोरों के जो हौसले हैं दिन प्रतिदिन जो है इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि चाहे दिन का समय हो चाहे रात का घटनाओं को अंजाम देते वक्त डरते नहीं है क्योंकि हौसलों की तो दाद देनी पड़ेगी। जिला यमुनानगर में क्राइम और चोरी की जो घटनाएं हैं हर दिन जो है बढ़ती जा रही हैं और जिला वासियों के अंदर इन सब वारदाताओं को देखते हुए खौफ बन चुका है। आगे के लिए अपील है जो जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं इस खबर को शेयर जरूर करें, शेयर बहुत जरूरी है। शेयर करने से ही हर जिलावासी जो है हम उन्हें जागरूक कर सकते हैं क्योंकि हमारा किया गया प्रयास दूसरों के लिए बढ़िया हो सकता है। तो तस्वीरें आपको दिखाई हैं अपने चैनल के माध्यम से। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।